नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम आया है 42 इयर्स एक मैन का, तो उनका बहुत ज़्यादा कुछ सवाल नहीं है, फिनेंस से जुड़ी हुई सवाल है। फिनेंस कैसे रहेगा, फ्यूचर कैसे रहेगा, ये सारे तो सर तो हम लोग कॉमनली निकाल लेंगे, लेकिन इस पाम में कुछ खास है जो दिखाएंगे हम लोग। पहले तो इस पाम के एक ओवरऑल एनालिसिस कर लेंगे इस पिक्चर से, उसके बाद कुछ पास प्रेडिक्शन है मेरा वो देखेंगे, और उसके बाद हम लोग एक लाइन वाला पाम लेंगे जहाँ पे लाइन वगैरह क्लियर दिख रही है, वहाँ पे हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो ओवरऑल एनालिसिस करने के टाइम में हमें जो पहला देखना है कि इस पाम का फैलाव, ये पाम बहुत ही बढ़िया पाम है इस हिसाब से, क्योंकि इस पाम एक तो रेक्टेंगुलर शेप है थोड़ी बहुत, और चौड़ा भी है। तो रेक्टेंगुलर होते हुए चौड़ा, और जो सारे के सारे माउंट है वो बैलेंस है। अब दूर से ही पाम को देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ, इस पाम में बैलेंस बहुत अच्छी है, और सारे के सारे माउंट एक ही जैसी है, ना ही कोई एक पर्टिकुलर माउंट ज़्यादा उभरा हुआ है, ना ही ज़्यादा दबा हुआ है, बैलेंस पाम है। बैलेंस पाम में क्या होती है, इंसान बहुत ही जो भी काम ये करेंगे वो बहुत ही बैलेंस तरीके से करेंगे, क्योंकि कोई माउंट का इनको ज़्यादा प्रभाव नहीं रहती है, सारे के सारे माउंट एक ही तरह का इनका रिजल्ट देती है, मतलब जैसा देना चाहिए। इस पाम में अगर छोटी सी भी हल्की सी भी अच्छी साइन हो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है, और अगर ख़राब से ख़राब सिचुएशन भी हो तो इनको उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ती है। उस हिसाब से इस पाम में बहुत सारी राहु लाइन है जो लाइफ लाइन को काट रही है, एकदम बचपन से अभी तक जितनी भी टाइम आप देखेंगे राहु लाइन का पूरा वार है लाइफ लाइन में, किनको लेकिन इनको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका। मार्स लाइन का सपोर्ट नहीं है, फिर भी इनको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा इनके हेल्थ में या फिनेंस में। मैंने उसका कुछ प्रेडिक्शन नहीं दिया भी नहीं इनको पास प्रेडिक्शन में, वरना और कोई पाम होता तो मैं उस टाइम पीरियड में इनको ज़रूर एक दो तीन पास प्रेडिक्शन दे देता, और वो होता भी। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस पाम में अगर मैं कुछ गलत पास प्रेडिक्शन दूँ लाइन को देख के, सिर्फ पाम को देखे बिना, तो वो रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए मैंने जब अपने पास प्रेडिक्शन में जाएंगे देखेंगे कि मैंने वो सारे सवाल नहीं पूछे वहाँ पे। और एक खासियत है इस पाम में, एक तो सारे के सारे माउंट बैलेंस है, तो इस पाम में अलग से माउंट को लेके मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा। सारे के सारे माउंट बैलेंस है, मतलब सारे के सारे गुण इनमें बहुत ही अच्छी तरीके से है। इनका थंब बहुत ही लंबा है और सशक्त है, बहुत ही पावरफुल थंब है। ये बिजनेस करते हैं शायद, मैंने पूछा नहीं इनकी कैरियर, लेकिन माइंड लाइन को देख के मुझे यही लग रहा है कि ये बिजनेस करते हैं, और बिजनेस में ये काफ़ी सक्सेसफुल इंसान भी है। तो ये सक्सेस और एक चीज़ है जहाँ से आ रही है। पहले तो थंब का एनालिसिस कर लेते हैं। थंब बहुत ही सशक्त है इनकी, एकदम सीधी थंब है, एकदम पीछे बेंट नहीं हो रही है। पीछे अगर बेंट ना हो थंब तो ये लोग बहुत स्ट्रिक होती है, स्ट्रिक इन द सेंस कि अपने जो डिसीजन लेते हैं वहाँ पे एकदम खड़ी के खड़ी रहती है, कोई भी इनको मतलब उसे हिला नहीं पाते हैं। ये नेचर जनरली जॉब वर्क्स जो लोग जॉब करते हैं उनको नहीं होती है। आप किसी भी ओहदे पे मतलब किसी भी पद पे आप जॉब करेंगे तो थोड़ा बहुत झुकना आपको पड़ेगा ही, लेकिन अगर यही काम अगर बिजनेस में अगर रखेंगे तो आपके डेवलपमेंट होगी बहुत बढ़िया। अगर आप अपना प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, उसमें बहुत सारे बिजनेस का कुछ रूल्स होगा जिसमें आप बहुत स्ट्रिक्ट बनेंगे, या ये लोग अगर शेयर मार्केट में काम करें, स्टॉक मार्केट में काम करें, तो अपना कुछ रूल्स रेगुलेशन बना लेते हैं जिसको तोड़ते ही नहीं, किसी भी हिसाब से ये तोड़ते नहीं है, उस हिसाब से इनको ये सक्सेस मिलती है। तो जो लोग स्टॉक या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं वो अपना थंब ज़रूर देख ले। अगर थंब बहुत ज़्यादा बेंट हो रही है पीछे तो मत कीजिएगा, अगर इतनी स्ट्रेट है सीधी कि बेंट नहीं होती है एकदम, ऐसे अगर थंब है और ऐसे बेंट नहीं हो रही है थंब, तो आप ज़रूर कर सकते हैं वो स्टॉक मार्केट का काम, क्योंकि आपका जो डिसीजन है खुद का डिसीजन वो आप उनमें से अच्छी से रख पाएंगे उसको। और एक ख़ास चीज़ है, ये पैटर्न देखिए, ये जो एंगल बना, मैं जनरली ऐसा एंगल मुझे मिलता नहीं इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ, ये जो एंगल बना ना ये 90 डिग्री एंगल बना, 90 डिग्री एंगल अगर ऐसे अगर पाम को आप हल्के से फैलाए और 90 डिग्री एंगल बनाए नॉर्मल से, मतलब ज़ोर से खींच के नहीं, थंब अगर आप ऐसे हाथ को फैलाए और यहाँ पे अगर 90 डिग्री एंगल बने, तो ये लोगों का कुछ खासियत रहती है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्ट होती है और आउटगोइंग होती है, एक्सप्रेसिव होती है, एंड
इंथुस्टिक होती है, मतलब ये अगर हिंदी में बोलूँ मैं इसको हिंदी में समझाऊँ तो ये लोग अपने आप को एक्सप्रेस बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये बाहर की दुनिया में अपना जो खुद का एक्सप्रेशन है, क्या वो ये बोलना चाहते हैं, क्या ये समझाना चाहते हैं दुनिया को या बाहर वालों को, ये बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। और ये बहुत ही एग्रेसिव नेचर की भी होती हैं, ये बहुत ही एग्रेसिव होती है दुनिया के सामने अपना जो बोलने, मतलब जो ये बोलना चाहते हैं या दुनिया को जो समझाना चाहते हैं बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इनमें कोई संकोच नहीं होती है अपने आप को दुनिया के सामने रखने में, तो ये बहुत ही बढ़िया अच्छी साइन है। अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हैं या अपनी दुनिया के सामने अपने आप को रखना है आपको, तो ये सबसे बढ़िया साइन है थंब से, अगर ये 90 डिग्री एंगल हो। इनकी तो 90 डिग्री बहुत ही अच्छी तरह से एंगल बन रही है, करीब करीब भी 90 डिग्री हो आपकी एंगल, ज़्यादा एंगल हो यहाँ पे अगर नॉर्मल सी रख के, तो आप में वो गुण रहती है। और जितनी कम रहती है, मतलब आप थंब को नॉर्मल रखें और थंब यहाँ पे आके इससे ज़्यादा नहीं जा रही है, तो इस पोजीशन में आपकी थंब है, तो ये जो डिग्री होगी करीब करीब 20-30 डिग्री होगी। तो अगर ऐसे 20-30 डिग्री हो तो आप डिप्रेशन के शिकार होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, आप दुनिया के सामने अपने खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, मतलब इनका उल्टा होता है। अगर 90 डिग्री एंगल से अगर 30 डिग्री एंगल हो जाए नॉर्मली, तो ये सारे चीज़ होते रहती हैं आपके सामने। तो ये रही इस पाम की ओवरऑल एनालिसिस। मैं माउंट के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे माउंट ठीक ठाक है। यहाँ पे एक, मैं नहीं जानता एक्चुअली क्या काम क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इंटरनेशनल फेम वाली फीस जैसी साइन बन रही है। ये साइन इनके हाथ में कंप्लीट है, मैं दूसरा पाम में भी देखा वहाँ पे कंप्लीट है, यहाँ पे भी कंप्लीट है। यहाँ पे एक जो है एक्सपीरियंस लाइन है, तो इनके कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज होंगे जो ये इसमें एक्सपीरियंस होंगे इनके अच्छे से, और ये इंटरनेशनल फेम वाले फिश साइन। ये दोनों साइन से मुझे ये लगती है कि ये पर्टिकुलरली किसी एक फील्ड में इनकी बहुत ही अच्छी नॉलेज है, जिनसे इनको है या आगे चल के इंटरनेशनली फेम मिलेगा। इंटरनेशनली फेम मतलब सिर्फ इंटरनेशनल और दूसरे लैंग्वेज जानने वाले, वही से फेम नहीं आती है, बहुत दूर दूर तक अगर भी आपका कामकाज फैला हुआ है और वहाँ पे आपका नाम है, तो भी वो करीब करीब इंटरनेशनली फेम ही समझा जा सकता है। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो कोलकाता में बैठ के अगर मैं गुजरात में अपना नाम फैलाऊँ तो भी वो करीब करीब इंटरनेशनल फेम ही समझा जा सकता है। तो इस हिसाब से इनका इंटरनेशनल फेम हो सकती है, एक्चुअल में इंटरनेशनल फेम भी हो सकती है, लेकिन इनकी जो है कामकाज, ये दूर तक इनका नाम ज़रूर होगा और इनका कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी है अपने काम में। तो चलिए, अभी ये तो हो गया ओवरऑल, एक बार एनालिसिस देख लिया हमने, बहुत ही बढ़िया पाम है ये, मल्टी मिलीनियर बनने वाला पाम है। मैंने जो भी दो मल्टी मिलीनियर का पाम दिखाया था आप लोगों को, देखिएगा वो पाम का पैटर्न पूरा पूरी ऐसा ही होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप में चौड़ाई लिए हुए, सारे अमाउंट बैलेंस है। मेरे जो सबसे दो अमीर इंसान के पाम मैंने डाले हैं, जो सच में अभी अभी मल्टी मिलीनियर है, बन चुके हैं, उन दोनों का ही पाम का पैटर्न ऐसा ही है। इसलिए मुझे ये पाम शेप के लोग बहुत अच्छे पसंद आते हैं, क्योंकि इनका माउंट वगैरह पूरा बैलेंस होती है। तो चलिए अभी देख लेते हैं इनका जो पास प्रेडिक्शन मैंने दिया था वो क्या है। तो इनका जो पाम आया था, तो मैंने एक मिनट, हाँ ये रही, तो मैंने उनसे कहा था अपना क्वेश्चन और करंट एज दीजिए, तो उन्होंने कहा है बिजनेस प्रॉपर्टी पास्ट फ्यूचर नेम ग्रोथ एंड सॉल्यूशन, इनके जो मैं प्रेडिक्शन करूँगा वो सारे क्या होगी, उनकी एज है 42। तो मैंने तभी उनको लिख दिया 10-15 मिनट बाद ही, इफ़ आई चेक योर पास्ट इट सीइंग दैट यू आर आउटसाइड फ्रॉम योर होम टाउन एंड ऑलरेडी गॉट सक्सेस, मतलब मैं अगर 42 इयर्स में आपकी पास्ट प्रेडिक्शन देखूँ तो आप अभी ही अपने घर के जो शहर है जहाँ पे आप होम टाउन है वहाँ से आप बाहर है और आपको ऑलरेडी सक्सेस मिल गई है। एंड देयर इज़ ए चेंज सीन योर एज नियरली 37, और 37 को एक मुझे चेंज दिख रही है आपकी लाइफ में। तो उन्होंने कहा येस आई एम स्टेइंग आउटसाइड एट माई बर्थ प्लेस, वो तो आउटसाइड बर्थ प्लेस से बाहर है और वो सक्सेसफुल भी है अभी, लेकिन इनको कोई चेंज नहीं हुआ 37 इयर्स एज में। तो हम लोग जाएंगे फिर से जब लाइन को एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि चेंजेस शायद ये मिस कर गए, लेकिन वहाँ पे एक चेंजेस थी जो होनी चाहिए थी।
तो उन्होंने कहा नहीं नो सर, आई एम इन द सेम लाइन सिंस 15 ईयर्स एंड सेम प्लेस. तो 15 साल वो एक ही जगह पे है, एक ही काम कर रहे हैं, इनको ऐसा कुछ चेंजेस नहीं हुआ. तो शायद दूसरा किसी टाइप का चेंजेस हुआ होगा, क्योंकि वो लाइन तो वहीं पे दर्शा रहा था कि बहुत ज़्यादा इनको चेंज होनी चाहिए उस उम्र के हिसाब से. तो चलिए अभी एक और पाम ले लेते हैं. तो देखा आप लोगों ने कि पास्ट प्रेडिक्शन इस पाम का जो दिया मैंने वो करीब करीब ठीक ही था, बस ये चेंजेस जो आ रहा था मेरे दिमाग में इस पाम का, यही ये पाम ही है उनका. तो एक तो देखिए इनका जो बचपन का जो लाइन है ये फेथ लाइन मोटा चल रही है, यहाँ से बहुत अच्छी दिख रही है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है. वो दूसरे पाम में हम लोग जब देखे थे तो इतनी बढ़िया नहीं थी, वो मोटी थी. तो इनको बचपन से जो इनकम वगैरह है वो तो होता रहा, लेकिन क्यों होता रहा, क्योंकि यहाँ पे एक जंक्शन बना. जो जंक्शन बना करीब करीब इनकी 24-25 ईयर्स एज में, मैंने कैसे बोला, मैंने ये बता दूँ कि कैसे बोला कि ऑलरेडी सक्सेस हो चुके हैं और ये होम टाउन से बाहर है. मैंने इनसे पूछा नहीं, मैंने उनको बोला कि आप बाहर हैं और आपको सक्सेस भी मिल गई है. तो ये कैसे हुआ, एक तो ये क्या इनकी जो लाइफ लाइन है उससे फेथ लाइन जुड़ा हुआ है. तो मैं कहता हूँ कि ये कम्फर्ट जोन है, इसको तोड़ने के बाद ही सक्सेस होगी. तो ये तोड़ चुके मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये पाम का कलर थी ऐसी, इस पाम की कलर मुझे दिखा रही थी कि इनको सक्सेस मिल गई है. ये जो फिंगर टिप की कलर है और ये जो ऊपर का माउंट का कलर है और ये लाइन का जो ग्लेज है, शाइन है माइन लाइन की, ये मुझे दर्शा रहा था कि इनको सक्सेस मिल गई है. तो इनको सक्सेस मिलना है तो कैसे मिलेगा, कंफर्ट जोन में तो है, होम टाउन से बाहर रहेगा. बहुत इजी था मेरे लिए बोलना इनको, और मैंने उनको बोला और ये उनको एक्चुअल में हुआ भी. और एक पॉइंट थी ये जंक्शन, मैं हर बार बोलता हूँ अगर तीन मेन लाइन, तीन अच्छी बढ़िया लाइन, फेथ लाइन, लाइफ लाइन और सन लाइन या मरकरी लाइन एक ही जंक्शन से निकलती है तो उस टाइम पीरियड से ही इनको सक्सेस मिलने लगती है. तो ये अभी तो मैं एज एक्चुअल निकल नहीं पा रहा हूँ, एक बार देख लेता हूँ तो भी करीब करीब होगी 27 को ही होगी शायद ये जो जंक्शन बना है. तो ये जंक्शन से ही इनकी लाइफ स्टार्ट हो गई है बहुत अच्छी तरीके से. ये उस टाइम पीरियड में ही बाहर शायद गए हैं, अगर इनकी 42 एज है और ये 15 साल पहले गए हैं. एक मिनट, 42 से अगर मैं 15 बाद दूं तो हाँ 27 ही बनती है. तो एक देखिए एकदम यहाँ पे 35 कटती है और ये 28-27 ही होती है. तो एकदम उसी पीरियड में ये बाहर गए और उसी में उनको धीरे धीरे सक्सेस मिली. धीरे धीरे मिली, क्यों धीरे धीरे मिली, क्योंकि उनको इतनी बढ़िया स्टार्ट, मतलब एकदम जाते ही धमाका हो गया ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि ये फेथ लाइन मोटा था और ये करीब करीब इनकी ख़त्म हो रही थी 37 के एज में. ये 37 को ख़त्म हो गई, वहाँ पे थोड़ी गैप बनी, ये और एक लाइन आई वो भी वही इसी एज के करीब ख़त्म हुई. उसके बाद जो लाइन निकली वो बहुत ही पतली पतली थी, 37 के करीब कुछ पतली पतली लाइन निकली और ये ऐसे सीधी चली गई. ये जो पैटर्न बनी इनकी फेथ लाइन में आगे चल गई, ये दर्शा रहा था मुझे कि ये 37 में ज़रूर इनकी चेंजेस रही होगी, इनकी बिजनेस में कुछ कामकाज में ये चेंजेस कर चुके हैं, कर सकते हैं कुछ नया बिजनेस ऐड कर सकते हैं, कुछ प्लेस वगैरह चेंज कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना वो तो उन्होंने नहीं किया, एक ही जगह में एक ही काम कर रहे हैं. शायद कुछ बिजनेस वगैरह ऐड किया हो, कुछ ना कुछ तो हुआ है ज़रूर, इतनी अगर चेंजेस दिख रही है हमें. क्योंकि ये जो पहले का फेथ लाइन है और दूसरे का फेथ लाइन है, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. ये जो फेथ लाइन है और ये जो फेथ लाइंस है, इनमें ज़मीन आसमान की फ़र्क है और इसमें थोड़ी तो बहुत होगी कुछ ना कुछ, शायद ये बाद में मुझे बताए, उनको याद आ जाए तो बताएगा. तो ऐसा कुछ चेंजेस होना चाहिए था, देखेंगे बाद में कि हुआ कि नहीं है. तो ये जो इंडिकेशन बनी इनकी 37, इनकी अभी अभी एज है 42 करीब करीब एज इनकी यहाँ तक यहाँ पे चल रही है. तो उसके बाद भी ये छोटी छोटी लाइन जो आगे चल के जा रही है, ये दिखा रही है कि आगे चल के इनको बहुत से ज़्यादा टुकड़ों में इनकम होगी. मतलब ये शायद अभी ये अपना बिजनेस ऐसे करेंगे जहाँ पे शायद ये करते भी ऐसे हैं कि शॉर्ट टाइम का कोई प्रोजेक्ट वगैरह हो जिसको कंप्लीट करने से इनकी एक एक कंसाइनमेंट कंप्लीट होती है, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह बनाना, पोटिंग करना, या फिर कोई कंसाइनमेंट लेना, उसको क्लियर करके दूसरा कंसाइनमेंट लेना, इस हिसाब से इनको बिजनेस हो सकती है.
तो अगर ऐसे बिजनेस है तो इनको बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट होगी, क्योंकि ये जो छोटी छोटी फेथ लाइन दिखा रही है, ये दिखा रही है कि सर्टेन एज में जाके इनको अचानक से कुछ नया नया इनके लिए है लाइफ में। देखिए एक बार फिर से ये फेथ लाइन एक ऐसी चली, ये थोड़ी 5-7 साल चल के ख़त्म हो गई, और एक स्टार्ट हो गई बीच में से, और एक यहाँ से बीच में स्टार्ट हो गई, और ये स्टार्ट हो रही है, और ये स्टार्ट हो रही है, यहाँ से एक आधा शुक्र वाला है। तो ये सारे साइन दर्शाता है कि इनके आगे चल के ज़िंदगी बहुत ही अच्छी रहेगी, इनको ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की बात नहीं है, और इनकी जो कामयाबी है वो होती रहेगी। लेकिन ये होगी टुकड़ों में, बिज़नेस कर रहे हैं तो टुकड़ों में ही होती है ज़्यादातर, लेकिन इनकी और ज़्यादा टुकड़ों में होगी, क्योंकि बहुत सारे फेथ लाइन हैं इस टाइम पीरियड में। ये छोटी छोटी जो लाइन बन रही है सटन माउंट में, इसे धनरेखा कहते हैं। धनरेखा वालों को कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है, ये अगर दूसरों के सामने ये कभी हाथ नहीं फैलाते हैं, हाथ उठाते हैं पैसे देने के लिए। इस हिसाब से मैं ये धनरेखा को एनालाइज करता हूँ। इनकी जुपिटर माउंट में एक बढ़िया एम्बिशन लाइन है, यहाँ पे हल्की सी फ्लोटिंग लाइन है, और ये जो दो अगर एम्बिशन लाइन बन जाए आपकी हाथ में, तो आप बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, और अपने आप को एम्बिशन, इस एम्बिशन को अचीव करने में आपको सक्सेस मिलती है। लेकिन ये अगर फ्लोटिंग लाइन की एम्बिशन हो तो आपको नेवर सेटिस्फाइड एम्बिशन देती है। आप एक गोल अचीव करते हैं, उसके बाद एक आपको एक दूसरी गोल मिल जाती है जिसको आप अचीव करने के लिए भागते हैं। तो ये रहेगी आपकी लाइफ, आप सेटिस्फाइड ज़्यादा नहीं बनेंगे, जितना भी सक्सेस मिले आपको, जो भी एम्बिशन आपकी कंप्लीट हो, आप फिर से एक नया गोल बनाएंगे, एक एम्बिशन कंप्लीट करने के बाद दूसरा एम्बिशन, दूसरा कंप्लीट करने के बाद तीसरा होगा आपका एम्बिशन, ऐसे ही चलेगी। लेकिन सक्सेस आपकी गारंटेड है, आप जो भी काम करेंगे सक्सेस मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपका लाइन बहुत बढ़िया है, आपका पाम का जो पैटर्न है वो बहुत बढ़िया है, रेक्टेंगुलर शेप में, अगर स्क्वायर पाम की तरह दिखे रेक्टेंगुलर शेप और सारे के सारे अमाउंट बैलेंस हो, तो उस पाम में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस होती है। मेरे जो 2-3 मल्टीमिलियनेयर वाला पाम है, बहुत बड़ी अमीर आदमी का पाम, उन लोगों का 95% पाम आपकी पाम की तरह ही है, लेकिन उन लोगों का लाइन वगैरह और थोड़ी बहुत साइन वगैरह और ज़्यादा थी, इसलिए वो बहुत ही जल्द बन गए। आपकी उतनी साइन वगैरह नहीं है, और आपकी जो फेथ लाइन है वो टुकड़ों में बटा है, तो टुकड़ा टुकड़ों करके, मतलब छोटा छोटा करके ही आपको फिनेंस में तरक्की मिलेगी, और आपको जमा करके ही आप एक बहुत बड़े अमीर बन पाएंगे। आपको एक बार में ही बहुत ज़्यादा धन या एक ही बिजनेस, एक ही एक कंसाइनमेंट पे बहुत आपको प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है। आपको छोटी छोटी करके आपका जो प्रॉफिट है उसको आपको जोड़ना पड़ेगा, इनकम वगैरह जोड़ जोड़ के ही आपको सक्सेस मिलेगी। अभी आपकी मेन लाइन वगैरह एक बार देख लेते हैं। आपकी हार्ट लाइन सीधी चली गई है जुपिटर के अंदर, ज़्यादा तो दूर तक नहीं गई है, लेकिन जुपिटर के अंदर तो जा रही है। तो आप जनरली लोगों का नुकसान करना या अपने बिजनेस के खातिर दूसरों का नुकसान करना ऐसा नहीं करते हैं। आप दूसरों का हितों का भी रक्षा मतलब देखते हैं, अगर मतलब दूसरों का पैसा, सिर्फ अपना ही पैसा कमाना है और दूसरों का चाहे उसमें नुकसान भी हो जाए, तो इस ऐसे नहीं रहते हैं आप दूसरा अगर आपको कोई ज़्यादा फेवर भी ले लेते हैं तो आप दे देते हैं। इस बीच में आपको कभी कभी खुद का भी नुकसान होता है, ये दर्शाता है यहाँ से। अगर हार्ट लाइन आपके जुपिटर के अंदर चले जाए तो करीब करीब ऐसी होती है कि आप अपनी दूसरे की अच्छाई करने के चक्कर में खुद का भी कभी कभी नुकसान कर लेते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं गहरा गया है ये, तो उतना ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन छोटी मोटी हालत आपकी बनती रहेगी जहाँ पर आप दूसरों की भलाई करने जाएंगे और उसके बदले में आपका नुकसान ज़रूर होगा। आपकी माइंड लाइन बहुत ही बढ़िया माइंड लाइन है, थोड़ी सी हल्की सी पैटर्न नीचे की तरफ गई है, तो आपकी थिंकिंग में थोड़ी डीपली नॉलेज होगी। ये कोई कोन नहीं बना रहा है, ये जनरली ये फॉल हो रही है धीरे धीरे, इसलिए दिख रही है, लेकिन ये कोई कोन नहीं बना रही है कि इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगी ज़िंदगी में कभी। जो मैं बोलता हूँ, अगर कोन बनाए तो एक दो बार कंगाल ज़रूर बना लेता है, और कौन नहीं बना और ऐसा कौन जैसा बना रहा है तो बहुत भारी नुकसान होती है। नहीं, ये लाइन वैसा नहीं है, ये लाइन ठीक ठाक है पैटर्न में। देखिए अभी मैं हटा रहा हूँ तो देख लीजिए, एकदम बहुत ही बढ़िया, एकदम बचपन से ही ये माइंड लाइन बहुत ही क्लियर और शार्प थी। तो इनका गोल जो था बचपन से ही एकदम क्लियर और शार्प थी, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी कभी भी, और ना ही आगे चल के होगी। इनकी माइंड लाइन छोटी है, तो ये मुझे जो लगती है कि ये बिज़नेस बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं,
इन्होंने बिजनेस लिखा था लेकिन ये नहीं लिखा था कि ये बिजनेस कर रहे हैं नहीं, लेकिन माइंड लाइन से पता चल रहा है कि ये बिजनेस ज़रूर कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर करेंगे। अगर जॉब कर रहे हैं तो चेंजेबल जॉब होगी, बहुत ही घना घना ये टाइम टू टाइम चेंज करेंगे, और बिजनेस करेंगे तो ठीक ठाक बिजनेस इनकी होगी, क्योंकि ये सन माउंट की यहाँ पर आके ख़त्म हो रही है और यहाँ से थोड़ी हल्की है तो यहीं पर ख़त्म पकड़ेंगे। इतनी छोटी अगर माइंड लाइन हो आपकी तो आप बहुत ही अच्छी बिजनेस में एक्सपर्ट बनते हैं। और आपकी लाइफ लाइन देखें तो थोड़ी सीधी है, यहाँ पे हम लोग उस पाम से देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा राहु लाइन की बाढ़ थी, यहाँ पे छोटी सी मार्स लाइन की सपोर्ट है, लेकिन ये ज़्यादा हम आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे क्योंकि आपका पाम का पैटर्न ही वैसी है कि जहाँ पे ज़्यादा नुकसान कोई लाइन नहीं पहुँचा पाते हैं, लेकिन ये बेहतरीन आपको रिटर्न देती है, मतलब जो भी अच्छी इंडिकेशन है आपके पाम में उसमें से आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो आप अब मुझे पता नहीं कि आप अभी एक्चुअली अभी जो मैं देख रहा हूँ आपके पाम 42 इयर्स एज में इस करीब में, यहाँ पे थोड़ी मुझे गैप दिख रही थी करीब करीब 35-36 से करीब करीब 38 तक, तो उस टाइम पीरियड में आपको शायद थोड़ी सी बहुत दिक्कत रही होगी या फिर आप लोन वगैरह ऐसा कुछ कर भी चुक सकते हैं उस टाइम पीरियड में, मुझे पता नहीं है, मैंने पूछा नहीं है, पूछना चाहिए था मुझे। तो अगर वहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ थी आपकी और वो डिफ़िकल्टीज़ आपकी अभी मतलब जो अभी रिकवर कर रहे हैं ऐसे स्टेज में है तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं है आपके हाथ में, लेकिन अगर डिफ़िकल्टीज़ नहीं रही उस टाइम पीरियड में तो आप काफ़ी अभी धनवान हैं, लेकिन आगे चल के आपकी पीरियड बहुत ही अच्छी जा रही है क्योंकि ये जो नया नया फेथ लाइन निकल रही है ये करीब हो रही है आपके 45 के बाद, 45 के बाद 50 के बाद ये जो नया नया फेथ लाइन निकल रही है ये आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा देगी, और आधा शुक्र बलय बन रहा है छोटा सा तो ये भी थोड़ी बहुत हेल्प करेगी फिनांस में आपकी। तो फिनांस को लो या बिज़नेस को लेके आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बिज़नेस ऐसा कीजिए, ऐसे तरीके से कीजिए कि छोटा छोटा कंसाइनमेंट हो, ज़्यादा बड़ा कोई प्रोजेक्ट ना हो, मतलब लॉन्ग टाइम का कोई प्रोजेक्ट ना हो, जितना शॉर्ट टाइम का प्रोजेक्ट होगा आपके अंदर उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, उतना ज़्यादा आप फ़ायदा कर पाएंगे बिज़नेस से। तो यही रही आपकी बिज़नेस का जो ओवरऑल एनालिसिस थी आपकी, मैं कर चुका हूँ और ज़्यादा कुछ सवाल नहीं है आपका। प्रॉपर्टी का एक जोग है आपके पाम में, मैंने वो बताना भूल गया, यहाँ पे मुझे एक बढ़िया स्क्वायर जैसी फॉर्मेशन बन रही है हार्ट लाइन से माइंड लाइन तक, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुई तो अभी आपके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि ये मुझे होती दिख रही है लेकिन अभी तक उतना ज़्यादा क्लियर और कन्फर्मेशन वाला स्क्वायर नहीं बना। अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ऐसे मुझे ड्रॉ कर पा रहा हूँ, ये अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये कंप्लीट नहीं है लेकिन स्क्वायर बन रही है। तो अभी आपके 42 इयर्स एज में मुझे नहीं लगता कि आपने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बना चुके हैं, लेकिन जिस टाइम में भी बनाएंगे इतना बड़ा स्क्वायर में अगर आप बनाएंगे आगे चल के, ये करीब करीब 48-49 को कट रही है फेथ लाइन, तो उस एज में जाके आपके प्रॉपर्टी का जोग बन रहा है। तो ये जो बड़ा स्क्वायर है ये दिखा रहा है कि आप बहुत बड़े प्रॉपर्टी के मालिक बनेंगे, या फिर छोटी छोटी प्रॉपर्टी आप बहुत ज़्यादा खरीदेंगे जिसमें सब मिला के बहुत बड़ी अमाउंट की प्रॉपर्टी होंगी आपकी। प्रॉपर्टी भी आपकी बहुत ही अच्छी है लेकिन अभी नहीं है, बात टाइम है उसके लिए। तो यही रही आपकी ओवरऑल पाम की एनालिसिस, इसी के साथ आपका पाम का एनालिसिस रखते हैं हम। और आप लोगों का भी जो देख रही है ये वीडियो उनको शुक्रिया मेरे चैनल देखने के लिए। आपका भी अगर खुद का पाम का एनालिसिस करवाना है, मेरा कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर और फीस वगैरह लिखा हुआ होता है, वहाँ देख के मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। शुक्रिया आप लोगों का।